नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेश व्यास। कंप्यूटर डीजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर नंबर 303 और एक्सेल के लेक्चर नंबर 82 में हम देखेंगे एक यूजफुल ट्रिक्स। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 और आपको एक डेमो दिखाने वाला हूँ। देखो जहां पर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ कहीं पर क्लिक नहीं हो रहा है, सेल को मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। सबके जहां से मुझे अगर नई शीट ऐड करना हो तो मैं नई शीट ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। अगर राइट क्लिक करूंगा तो इन्हें मैं रिनेम के या डिलीट नहीं कर पाऊंगा, यानी ये सब कैसे होता है। चलो यहाँ पर मैंने लिखा है मेरा नाम, मैंने यहाँ पर नेम लिख लिया है, ऑर्डर नंबर लिखा है 21 और डेट लिखी है 12/10/2020। चलो अब प्रोडक्ट का नेम मैंने यहाँ पर से सिलेक्ट कर लिया आइटम 2, तो आप देख रहे हो यहाँ पर 30 प्राइस आई। यूनिट लेने हैं मुझे 21, तो आप देख रहे हो 630 टोटल प्राइस आ चुके हैं, लेकिन डिस्काउंट रेट मेरा होगा 10%। तो आपने देखा यहाँ पर यहाँ या ये चीज में मैं कहीं पर भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ना कुछ में कर पा रहा हूँ, हो ही नहीं सकता है। तो ये सब कैसे होता है, तो चलो फ्रेंड्स ये कैसे किया था वो मैं आज आपको ये वीडियो में समझाने वाला हूँ। ये मैंने किया था कैसे, अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर अदरवाइज आप ये वीडियो पूरा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा मुझे कैसे करना है। बाय डिफॉल्ट जो भी सेल रहते हैं ना, वो सेल के प्रॉपर्टी में आपको जाना है, सेल फॉर्मेट में जाना है। जैसे नेम देखो, यहाँ नेम है, ये नेम वाले में राइट क्लिक कर रहा हूँ, वहां से मुझे फॉर्मेट सेल पे जाना है। अगर फॉर्मेट सेल में जितने भी टैब आते हैं वहां पर देखो प्रोटेक्शन टैब रहती है, देखो ये लास्ट में प्रोटेक्शन रहती है, प्रोटेक्शन ने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लॉक इस तरह से होता है। अब जब कोई भी सेल को जहां पर भी यहाँ पर सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल में चले जाए, प्रोटेक्शन में जाए, यहाँ पर लॉक्ड रहता है। अब ये लॉक्ड का मीनिंग यह हुआ कि ये सेल बाय डिफॉल्ट लॉक हो चुका है, ये कहां प्रोटेक्शन में काम आएगा। तो मैंने किया क्या, जितने भी सेल यहां पर मुझे एडिटेबल बनाने थे वो सेल को मैंने सिलेक्ट करके ये प्रोटेक्शन में से अनलॉक कर दिया, इसे अनलॉक बना दिया और ओके प्रेस किया। सारे सेल बाय डिफॉल्ट लॉक है, मुझे ये 3 सेल जो है मुझे अनलॉक कराने थे, तो मैंने राइट क्लिक करके प्रोटेक्शन में अनलॉक कर दिया। आइटम सिलेक्ट करना था अनलॉक रखा, लेकिन यूनिट प्राइस मैंने लॉक रखी। आप एक बार राइट क्लिक कीजिए, देखो ये लॉक कर रखी है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने फॉर्मूला रखी है, तो ये इन्हें भी राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाएंगे, मैंने लॉक रखा है। अब मुझे करना क्या था, यहाँ पर आपको रिव्यू मेनू में 2 चीज दिखाई देगी, प्रोटेक्ट के जरिए प्रोटेक्ट वर्कबुक और प्रोटेक्ट शीट। सबसे पहले हम प्रोटेक्ट शीट में चले जाएंगे, प्रोटेक्ट शीट में आपको पासवर्ड पूछा जाएगा कि अगर आपको इससे अनप्रोटेक्ट करना हो तो पासवर्ड कौन सा रखेंगे। आप पासवर्ड ब्लैंक भी रख सकते हो और आपको अच्छा लगे वो भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर से जितने भी आप टिक मार्क ऑन करेंगे यानी चेक ऑन रखा वो चीज हो पाएगी। जैसे कि मैंने सिलेक्ट अनलॉक सेल, इन्हें टिक चेक ऑन रखा है, तो अनलॉक सेल को ये यूजर चेक सिलेक्ट कर पाएंगे। फॉर्मेट से ले किया तो इसे फॉर्मेट कर पाएगा, यूजर फॉर्मेट कर सकता है, फॉर्मेट कॉलम तो कॉलम भी फॉर्मेट होगी। यानी कि यहाँ पर देखो डिलीट कॉलम, ये टिक मार्क ऑन रखा तो डिलीट करने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ये सारी चीजें मैंने निकाल दी और सिलेक्ट अनलॉक सेल यही रखा, बाकी सारे में अनचेक रखा है। और पासवर्ड में अभी मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए ब्लैंक पासवर्ड रख के मैं यहाँ से ओके प्रेस कर रहा हूँ। तो चलो ये चीज हो गई। देखो अब ये डिस्काउंट मुझे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये दोनों सेल मुझसे सिलेक्ट नहीं हो गए, यहाँ पर भी मैं कहीं पर भी ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अब दूसरी चीज प्रोटेक्ट वर्कबुक में चले जाओ, वहां पर स्ट्रक्चर टैग ऑन करके यहाँ पर पासवर्ड लगाकर ओके प्रेस कर दो। आप जहां भी जाओगे ना ये डिलीट होगी ना ये कर पाओगे, और जितने सेल में जहां भी मुझे काम करना था वो मैं कर सकता हूँ, जैसे कि 1, 2, 3, 4 चार और यूनिट की काउंट 5 और डिस्काउंट रेट 6, इतना ही यहाँ पर मैं कर सकता हूँ और कुछ यहाँ से नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूले। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं ऐसे ही ट्रिक के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ योगेश व्यास फ्रॉम कंप्यूटर डीजी क्लास, गुड बाय।